चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई पर फोकस की दरकार, प्रदेश के अस्पतालों के औचक निरीक्षण की रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह की उच्च स्तर पर यह रिपोर्ट भेजी है और अब तक 1719 चिकित्सा संस्थानों का विभिन्न स्तर से औचक निरीक्षण। 17 चिकित्सा संस्थान में डीसी, 88 में कलेक्टर, 74 में एडीएम, 521 में एसडीएम, 396 तहसीलदार व चिकित्सा अधिकारी 595 संस्थानों का निरीक्षण कर चुके हैं और इन निरीक्षणों में दवा जांच की उपलब्धता, ओपीडी और आईपीडी की सेवा स्थिति, स्टाफ को मानदेय व लेबर रूप में देखा गया पहले की तुलना में सुधार, यानी कि पहले की तुलना में अब थोड़ा सुधार होता नजर आया इस रिपोर्ट के अनुसार। हालांकि शौचालय की स्थिति, संस्थानों के अंदर और बाहर सफाई व्यवस्था, भवन परिसरों की स्थिति में अभी भी सुधार की काफी जरूरत है, ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। तो चिकित्सा विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह की एक उच्चतम रिपोर्ट तैयार कर सामने ला दी और ये पहुंचा दी है, और जिसके तहत ये जो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है कि कहां पर कितने निरीक्षण हुए, कहां की व्यवस्था में सुधार है पहले से, यानी कि गुंजाइश अभी भी है, लेकिन कहां पर अभी ज्यादा जरूरत है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा साफ सफाई को लेकर। वरिष्ठ योगी विकास शर्मा विस्तार से जानकारी देंगे, सीधा रुकुनी का करेंगे। विकास, इंतजार किया जा रहा था इस रिपोर्ट का, निरीक्षण हो चुका, रिपोर्ट सामने आ गई, जहां गुंजाइश है उसकी बात भी सामने आ गई, लेकिन जहां पर बेहतर स्थिति है उसके बारे में भी चर्चा हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सफाई व्यवस्था को लेकर और ज्यादा सुधार की जरूरत है, विस्तार से बताइएगा। मुख्यमंत्री बृजेंद्र शर्मा ने एक मैसेज दिया था कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं, चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था है और खासतौर पर जिसमें मरीजों को सीधा इफेक्ट होता हो, उन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और उसी के बाद में पूरे प्रदेश भर के अंदर चिकित्सा संस्थानों के औचक निरीक्षण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसडीएम हो, डिविजनल कमिश्नर हो, तमाम जो अधिकारी है उनको इसमें दिया गया था। तो जो फरवरी माह का पहला सप्ताह है, इसमें चिकित्सा विभाग की दूसरी रिपोर्ट, साप्ताहिक रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है के लिए, और इस रिपोर्ट के अंदर बात करें तो 17 चिकित्सा संस्थानों का डिविजनल कमिश्नर ने दौरा किया, 88 का कलेक्टर ने, 76 का एडीएम ने, 521 का एसडीएम ने और 396 का तहसीलदारों ने दौरा किया है। ऐसे कुल मिलाकर के 19 चिकित्सा संस्थानों का अब तक पूरा एट ए ग्लांस दौरा किया जा सका है। जिसकी रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें सबसे बेहतर बात यह है कि दवाओं की उपलब्धता, जांच की उपलब्धता, ओपीडी आईपीडी की सेवाएं, स्टाफ की मानदेयता, लेबर रूम की स्थिति, ये जो तमाम जो सेवाएं हैं इनमें काफी प्रोग्रेस देखने को मिला है, क्योंकि मैसेज दिया था ऊपर से कि इन चीजों को सुधारा जाए और उसका असर भी जो भी देखने को मिला। लेकिन दूसरी ओर शौचालय की स्थिति है, संस्थानों के अंदर और बाहर की साफ सफाई है, भवनों के अंदर की स्थिति जो है परिसरों की, वो स्थिति है वो उसमें अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है और इन बिंदुओं को चिकित्सा विभाग ने भी अपना मोस्ट चैलेंजिंग टास्क माना है और जो सरकार को भेजी रिपोर्ट में उसमें जो मैंने बताया बिंदु उनको मोस्ट प्रोग्रेसिव बिंदु माना है, जिसमें एमएनडीवाई की स्थिति, एमएनजीवाई की स्थिति, सेवा ओपीडी आईपीडी सेवा, स्टाफ का मानदेय, लेबर रूम की स्थिति, इनको मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेज में माना गया, जबकि मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज के अंदर माना गया शौचालय की स्थिति, साफ सफाई की स्थिति, भवन की परिसर की स्थिति, ये जो और साथ में चिकित्सकों की उपलब्धता, ये वो बिंदु है जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। अब उम्मीद यही करते हैं कि जो रिपोर्टिंग का जो ये पूरा कवायद शुरू कीजिए, इसके बाद चिकित्सा संस्थानों की स्थिति में काफी सुधार की गुंजाइश जो बची हुई है वो भी पूरी होगी। जी बिल्कुल विकास, उम्मीद भी हम यही करते हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।